हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीआरआर और एसएलआर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे देश में जो मुद्रा स्फीति होती है या फिर जो मार्केट में तरलता होती है, उसको कंट्रोल करने का काम पूरे के पूरे तरह से आरबीआई का है, और आरबीआई अपनी नीतियों के तहत इसको कंट्रोल करता है। देखिए, आरबीआई बात करें कि आरबीआई अपनी नीतियों के तहत इसको कंट्रोल करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में कभी महंगाई बढ़ जाए या फिर कभी हमारा अर्थव्यवस्था रिसेशन में चला जाए, मंदी में चला जाए, उस टाइम पे आरबीआई का ये काम होता है कि वो कुछ पॉलिसीज बनाए, नीति बनाए, और उस नीति के माध्यम से इस बाज़ार को, इस मार्केट को और इस अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करें। इसी संतुलन के क्रम में दो चीज़ और जो आता है इसमें, जिसे कम करके या फिर ज़्यादा करके कंट्रोल करता है, उसी में आता है ये हमारा एसएलआर और सीआरआर। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ये सीएलआर और सीआरआर, सॉरी एसएलआर और सीआरआर, इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो रेशियो। देखिए, ये जो टॉपिक है ये किसके तहत आता है? देखिए, जब भी आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करने के जो भी पॉलिसीज बनाता है, तो उसमें दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। अगर ये आरबीआई है और इसका काम है मार्केट को कंट्रोल करना, तो ये कुछ पॉलिसीज बनाएगा, नीति बनाएगा। इसमें इसके जो ये अपने पॉलिसीज में जो घटक का प्रयोग करता है, जिस भी उपकरण का प्रयोग करता है, वो दो तरह के होते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव ठीक है। ये इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक से गुणात्मक। तो ये जो दो घटक होता है, इसमें क्वांटिटेटिव में आपके कई सारे घटक आते हैं, जैसे इसमें आएगा एक बार बैंक रेट, इसमें आएगा आपका, एक आएगा ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में कई चीज़ें आती हैं, इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में कई चीज़ें आती हैं। इसमें आपको आएगा एलएएफ। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जनरली कौन सा चीज़ आएगा, एक ओवरऑल समझ लीजिए। इसमें जो क्या होता है ना, इसमें सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति का या तो क्रय होगा, या होगा विक्रय। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिर्फ वही घटक शामिल होंगे जिस घटक के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति का या तो क्रय होता होगा या फिर विक्रय होता होगा। और ये क्रय विक्रय करने से क्या फर्क पड़ता है मार्केट पे, इसको समझते हैं। तो जैसे इसमें एलएएफ आ गया, एमएसएफ आ गया, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें और भी कई सारे घटक हैं। और एक होता है आपका जिसमें आता है सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर रिवर्स रेपो रेट। तो अगर हम बात करें कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरआर और एसएलआर, ये क्या है? तो आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उसके तहत
क्वांटिटेटिव पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव पॉलिसी में ओएमओ का संचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है सीआरआर और एसएलआर। तो एक्चुअली इसके माध्यम से देखिए, इसमें जितना सारी चीज़ें हैं ना, इस सारी चीज़ें के माध्यम से आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करता है, उसमें से दो चीज़ें ये भी हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम किसे पढ़ने जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है। मकसद पहला यह है पढ़ने का कि ये जाने कि आरबीआई इसके सहायता से मार्केट को कंट्रोल करता है, और दूसरी बात आरबीआई का काम मार्केट को कंट्रोल ही करना होता है, अर्थव्यवस्था में मंदी से बाहर निकालना और मुद्रा स्फीति और तरलता को नियंत्रित करना। तरलता ये लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, लिक्विडिटी, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक सामान्य शब्दों में समझिए तो मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा है उतना ही ज़्यादा तरलता है, लेकिन ये तरलता मतलब लिक्विडिटी। लेकिन अगर लिक्विडिटी को ऐसे मतलब समझे कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके लिए एक आता है कि ऐसी चीज़ जैसी ऐसी विनिमय का साधन, विनिमय का साधन जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। क्या मतलब है भाई आसानी से स्वीकार कर ले? इसका मतलब ये है कि ये लिक्विडिटी के अंदर ऐसा चीज आएगा, मान लीजिए कि ये कोई भी ऐसा चीज दिया जाए किसी को, अगर हम किसी से कुछ खरीदते हैं, हम गए मार्केट में और मुझे कुछ खरीदना है, मार्केट में गए खरीदने के लिए और हम वहाँ से सामान ले लिए मार्केट से, फिर भैया वो बोल रहा है कि भाई कुछ दो सामान के बदले में, कुछ तो कुछ दोगे, हम उसको बोलते हैं कि भाई जाओ मेरे घर से कुछ उठा लेना, या फिर हम जाके उसको बोलते हैं कि देखो भाई ये चेक ले लो, ये चेक ले लो। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में कितने परसेंट लोग होंगे जो चेक एक्सेप्ट कर लेंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसको जानकारी नहीं है चेक के बारे में, या फिर जो चेक को वो चेक को ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कि चेक बैंक में चेक ले जाकर उसे पैसे नहीं ले सकता, या फिर जिसको चेक के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यही सोचिए, अगर आप पैसे ले जाकर दीजिए, किसी को भी दीजिए, कोई अगर बहरा है, कोई गूंगा है, किसी को भी दीजिए अगर पैसे ले जाकर, और उसे आप कोई वस्तु लीजिए, तो पैसे को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी का यानी तरलता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कैश है। कैश है, तो जब भी हम बोले कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास मार्केट में पैसा बहुत आ रहा है। और जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो इस केस में क्या होता है, मार्केट में मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ेगी यानी डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत बढ़ेगा, वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसी क्रम में हम ये पढ़ते हैं सीआरआर और एसएलआर। देखिए एक बार इसे देख लेते हैं, पहले सीआरआर को समझते हैं। सीआरआर देखिए ये क्या है, हम एक बार ये बात कर ले कि देखिए हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, और कई सारे कमर्शियल बैंक है जिसमें एसबीआई आता है, एचडीएफसी आता है, आईसीआईसी बैंक आती है, कई सारे बैंक हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि आरबीआई है, फिर से वहीं आरबीआई, ये मान लीजिए कमर्शियल्स बैंक, ठीक है, एसबीआई समझ लीजिए, बैंक लिखे डायरेक्ट बैंक, कमर्शियल बैंक बहुत सारे बैंक आते हैं, वो सभी आएंगे इसमें। तो इसमें होता क्या है, ये समझ लीजिए जनता है, कस्टमर है जिसको पैसे लेने हैं। अब हम पिछली वीडियो में बात की जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये बात करा था कि जब भी हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम बैंक में जाते हैं, वहाँ से हम पैसे बैंक से लोन लेते हैं, या फिर अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा भी आ गए हैं तो अगर हमें जमा करना होता है तो हम बैंक में जाके जमा करते हैं। अब ये बताइए इसमें होता क्या है, ये सीआरआर में ये आरबीआई बोलता है एसबीआई को, एसबीआई को नहीं, ये बैंक को, ये बैंक के अंदर आएगा एसबीआई,
आरबीआई बोलता है इस बैंक को कि आपके पास जितने भी पैसे जमे हुए हैं, यानी ग्राहक के द्वारा, कस्टमर के द्वारा जितने भी पैसे जमा किया गया है, उस पैसे का कुछ परसेंट हिस्सा मेरे पास ले आकर ये एक रिजर्व के तौर पर रख दो। रिजर्व के तौर पर रख देने का क्या मतलब है? ये इसलिए कहते हैं कि रिजर्व के तौर पर रख दो क्योंकि कई बार ऐसा स्थिति आता है कि बैंक रन की स्थिति आ जाती है। बैंक रन की स्थिति क्या होती है, ये एक नया टर्म है, समझिए। बैंक रन की स्थिति होती है जब कई सारे लोग एक ही साथ आ जाएंगे बैंक में पैसे निकालने के लिए। आप सोचिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जब कई बार आप अगर शुरुआती दिनों में देखते होंगे बैंक में, अभी 5 से 6 साल पहले की बात करें, तो कई बार होता था बैंक में बहुत बड़ी लाइन लगी होती थी, और अचानक से पता चलता था कि देखो आज कैश ही खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए निकालने के लिए, अब चूंकि लाइन भी लगी हुई है बहुत सारी। अब उस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? तो उसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई बोलता है कि कुछ पैसा ले आके मेरे पास रखो, और जब बैंक रन की स्थिति आएगी उस टाइम हम तुमको ये पैसे वापस दे देंगे। ये सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ गया होगा कि ये बैंक आरबीआई के पास ले जाए कुछ पैसे रखती है और कुछ परसेंट रखती है। अब मान लीजिए कि ये अगर बोलता है, अगर इसके पास, बैंक के पास मान लीजिए कि 1,000 रुपये है, ठीक है, बैंक के पास 1,000 रुपये है, और आरबीआई बोलता है कि अपने पैसे का 5% पैसा मेरे पास लाकर रख दो, यानी कि अगर 1,000 का 5% निकाले तो 50 रुपये होगा, 50 रुपये यहाँ ले जाकर रख दो, यानी कि बैंक ले जाके 50 रुपया आरबीआई के पास जमा कर देगा। तो अगर ये आरबीआई बोले कि मुझे 5% पैसे जमा करो, या फिर आरबीआई बोल सकता है कि नहीं मेरे पास 10% जमा करो, किसका? बैंक के पास जितना भी पैसा जमा हुआ है, कस्टमर के द्वारा जितना भी पैसा जमा किया गया है उसका। तो ये आरबीआई बोले कि 5% जमा करो, 10% जमा करो, या बोल सकता है 15%। मतलब ये कहने का मतलब है कि आरबीआई खुद डिसाइड करेगा, ये आरबीआई खुद डिसाइड करेगा कि तुम्हें मेरे पास कितने पैसे जमा करने हैं, और जितना पैसा जमा होएगा और जिस रेट पे जमा होगा इसी रेट को बोलेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये समझ में आ गई? तो अब इसमें क्या है, ये बैंक ले जाके मान लीजिए इसके पास 50 रुपये जमा कर दिया, बैंक ले जाके 50 रुपये इसके पास जमा कर दिया। अब पहले कंडीशन में क्या होता था जब हम लोग देखते थे, तो पहले कंडीशन में ये होता था कि जब भी बैंक ले जाके आरबीआई के पास पैसा जमा करेगी तो आरबीआई उसको ब्याज चुकाती थी पहले। वो क्या देखे थे इसमें, हम लोग देखे थे ना रिवर्स रेपो रेट में, आरआरआर में, RRR में देखे थे कि जब भी बैंक ले जाके आरबीआई के पास जमा करती थी पैसे तो आरबीआई को ब्याज चुकाना पड़ता था। लेकिन इस कंडीशन में ये जो पैसा जमा करेगी इस पर आरबीआई बैंक को कोई ब्याज नहीं देगी, आरबीआई बैंक को कोई ब्याज नहीं देगा। अब एक बात समझिए ध्यान से, ये बैंक है, ये आरबीआई है। चूंकि बैंकों को जरूरत पड़ता है तो आरबीआई के पास जाती है उधार लेने के लिए, इसलिए आरबीआई को बैंक का बैंक भी कहते हैं या फिर सरकार का बैंक भी कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो लोग हैं ये यहाँ ले जाके 1,000 रुपये जमा किए। अगर हम ले जाके बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर आप ले जाकर पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो जितना पैसा जमा कीजिएगा आप उतने का ब्याज बैंक से लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा, और बैंक को देना भी पड़ेगा। तो अगर ये लोग 1,000 रुपये जमा किए हैं बैंक में तो इस 1,000 रुपये का ब्याज बैंक को चुकता करना पड़ेगा, यानी बैंक 1,000 रुपये पर ब्याज देगा इन लोगों को। लेकिन बैंक के पास एक्चुअल पैसा बचेगा कितना? अगर सीआरआर 5% है तो बैंक तो 5% ले जाकर उसके पास जमा कर देगा, तो यानी कि 5% जमा कर दिया, 50 रुपये जमा कर दिया, तो इसके पास एक्चुअल बचेगा 950 रुपये बचेगा। अब ये 950 रुपये इसलिए बचेगा क्योंकि ये 50 रुपया यहाँ जमा हो गया। अब देखिए ये 950 रुपये को ही बैंक इस्तेमाल कर सकता है। अब इसको अब वो बैंक कहीं इन्वेस्ट करे, प्रतिभूतियां खरीदे या फिर किसी को ब्याज दे, सिर्फ 950 रुपये का ही आधिकारिक रूप से
बैंक के पास होएगा, क्योंकि 50 रुपये वो आरबीआई अपने पास रखवा लेगी ताकि बैंक रन की स्थिति से निकला जा सके। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, ये बैंक को तो 1000 रुपये का ब्याज देना है लोगों को, लेकिन एक्चुअल बैंक इस्तेमाल कितना रुपया कर रहा है, सिर्फ 950 रुपये। तो ये जो 50 रुपये हो रहा है ये बैंक के लिए कर्ज रूप हो जा रहा है, यानी कि इस 50 रुपये का भी ब्याज चुकाना पड़ रहा है लोगों को, जिसका इस्तेमाल बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस रेट को जो है ना, ये जो रेट है इसको निगेटिव कैरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बैंक के लिए, बैंक को उसके लिए ब्याज भी चुकाना पड़ता है और उसका इस्तेमाल भी नहीं करती, इसलिए इसको निगेटिव कैरी भी कहते हैं, नहीं सीआरआर को निगेटिव कैरी भी कहते हैं। अब मुझे लगता है मोटा मोटी आप समझ गए होंगे सीआरआर क्या होता है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। सीआरआर क्या होता है, आरबीआई बोलती है बैंक को कि आपके पास जितने भी लोग पैसा जमा किए हैं, अच्छा देखिए ये जितना पैसा जमा होता है ना उसको एक समझ लीजिए, एक होता है जीडीटीएल, एक होता है एनडीटीएल, ठीक है एनडीटीएल। तो जीडीटीएल क्या होता है, इसमें जितने लोग पैसे जमा किए या तो सेविंग अकाउंट में जमा किए या फिर एफडीआरडी यानी फिक्स्ड करें। और एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाता है, एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाता, इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाता है, अगर ये किसी को पैसे दिए हुए हैं यानी बैंक कहीं किसी को पैसा दिया हुआ है तो उसका जो 15 दिन का ब्याज है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, ये होता है एनडीटीएल, सॉरी जीडीटीएल। लेकिन जब एनडीटीएल निकालना होता है ना, एनडीटीएल सॉरी एनडीटीएल, NDTL, इसका क्या होता है, ये जितना भी बैंक के पास पैसा जमा हुआ है, मान लीजिए कि बैंक के पास पैसा जमा हुआ है 100 रुपये, और इस NDTL निकालने के लिए बोलेगा तो ये अगर 100 रुपये पूरा जमा हुआ है तो GDTL हुआ बैंक का, और GDTL हुआ तो NDTL क्या है फिर, तो NDTL ये है कि जितना भी जमा हुआ है GDTL में से यानी कि 100 में से। अब बैंक देखिए क्या करता है, बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे SBI, HDFC या फिर ICICI, ये एक दूसरे को भी उधार देते हैं, तो उस उधार को यहाँ से घटा लेना है, जितना भी दिए हैं उस उधार को घटा लेना है, तो जो बचेगा वो होगा NDTL, NDTL। तो जो कर्ज लिया हुआ है बैंक वो घटा लेगा उसको। तो जो ये आरबीआई बोलता है कि आप अपने NDTL का यानी कि NDTL यानी आपके पास जितना पैसा है NDTL, लोगों से जो उधार लिए उसको छोड़ के वो NDTL का 5% हमको दीजिए, और यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया होगा, अब आइए एक बार इसको समझते हैं डेफिनेशन से। कैश रिजर्व रेशियो आपको यहाँ दिख रहा होगा, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो। इसमें इसको डिफिनेशन पड़ी, इसमें बैंक को उनकी जमा की राशि यानी उनकी जमा की राशि जो होती है, जो बताया था कि मान लीजिए 1000 रुपये बैंक के पास जमा है, का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा जो बता रहे थे कि मान लीजिए 5%, जो कि निर्धारित कौन करेगा, खुद आरबीआई करेगा, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई में जमा करने की अनिवार्यता होती है, यानी कि निश्चित रूप से आरबीआई के पास जमा करने पड़ेगा अपने एनडीटीएल का। चलिए अगर ये नहीं समझ में आ गया तो एक और आसान सा देखते हैं, सीआरआर एनडीटीएल, एनडीटीएल भी बताएं, बैंक में जितना ही पैसा जमा है, बैंक में जितना ही पैसा जमा है उस पैसे में से अगर हम किसी बैंक से उधार लिए हैं उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा एनडीटीएल निकलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, सीआरआर एनडीटीएल का वह प्रतिशत होता है जिसे सभी बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब यही बात बताएं कि आरबीआई के पास जमा करते हैं, इसमें लिखा गया है कि इसे निगेटिव कैरी भी कहते हैं। निगेटिव कैरी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर बैंक के पास जमा हुआ है 1000 रुपये तो 5% मान के चलते हैं, 5% 5% तो जमा कर देगा आरबीआई के पास, यानी 50 रुपये जमा कर दिया, अब उसके पास बचेगा सिर्फ 950 रुपये, और वो 950 रुपये को ही यूज कर सकता है
जबकि उसको ब्याज देना पड़ेगा लोगों को पूरे 1,000 रुपये का, और ये जो 50 रुपये आरबीआई के पास जमा होगा उसका कोई भी ब्याज बैंक को नहीं मिलेगा, यानी आरबीआई उस पैसे का कोई भी ब्याज बैंक को नहीं देगा। अब इसका उद्देश्य पर चर्चा किए थे, जनरली समझिए उद्देश्य का क्या होता है। इसका उद्देश्य बैंकों को बैंक रन की स्थिति से निपटना होता है। बैंक रन की स्थिति बताएं, बैंक रन की स्थिति वो होती है कि जब कई सारे पैसे निकालने वाले लोग एक साथ आ जाते हैं बैंक में और उस टाइम बैंक के पास पैसा नहीं होता है। तो ये था आपका एसएलआर। चलिए अब पढ़ते हैं सीआरआर को। एक बात और समझ लेते हैं, एसएलआर का कंसेप्ट है। देखिए अब एक बात समझिए, अगर सी आर आर ये क्या है, ये मान लीजिए कि अभी ये सी आर आर है 4.5%, 4.5% अभी आरबीआई ने निर्धारित किया है कि आप बैंक के पास कितना भी पैसा जमा होएगा ना, तो वो बैंक के पैसा को क्या करेगा, ले जाके जमा करना पड़ेगा, 4.5% जमा करना पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास, और उस पैसे का बैंक को ब्याज भी नहीं मिलेगा। यही है सी आर आर। अब देखिए मान लेते हैं कि सी आर आर रेट में वृद्धि होती है, सी आर आर रेट में वृद्धि होती है, यानी वृद्धि होती है क्या मतलब, ये समझिए, यहाँ समझिए, ये आरबीआई, ये बैंक, ये बैंक पे ले जाके 4%, 4.5% जमा करती थी मान के चलते हैं अभी जो है, यानी कि 100 रुपया में से 1,000 रुपये में से 45 रुपये यहाँ जमा कर दी। लेकिन अब देखिए ये जो 4.5% है ना, यानी सी आर आर को आरबीआई बोल रहा है कि नहीं अब 4% जो है तो आपको 6% जमा करना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा समझिए, ये जब यहाँ से 4.5% जमा करते थे यानी 45 रुपये जब जमा करते थे, तो इसके बाद बचता था 955 रुपया, ठीक है, 955 रुपया बचता था। अब इस कंडीशन में देखिए जब 6% जमा होगा तो ये बैंक ले जाकर 6% जमा करेगी, यानी 60 रुपया जमा करेगी, 60 रुपया जमा करेगी आरबीआई के पास, तो इस कंडीशन में इसके पास कितना पैसा बचेगा, 940 रुपया। अब समझिए, यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, जब भी रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई ना, जब भी ये रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। और देखिए क्योंकि पहले 955 था, अभी 940 हो गया। अब जब बैंक का पैसा कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक का पैसा कम हुआ मतलब बैंक लोगों को कम उधार दे पाएगी पहले की तुलना में, बैंक लोगों को पहले की तुलना में कम उधार दे पाएगी, और कम उधार दे पाएगी तो तरलता यानी कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तरलता कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी क्योंकि जितना पैसा कम रहेगा उतना ही लिक्विडिटी कम होगा, और जब लिक्विडिटी कम होगा तो डिमांड, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड क्या करेगा, घंटा करेगा, डिमांड कम होगा क्योंकि जब किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड ही नहीं होगा, और जब डिमांड कम होगा तो सिंपल सी बात है कीमत भी कम होगा, इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नियंत्रित होगा। तो जब भी आरबीआई अपने सीआरआर को बढ़ाएगा तो मुद्रास्फीति, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो आरबीआई अपने सीआरआर को बढ़ाएगा, जिससे कि मार्केट से पैसा चला जाएगा जमा होकर आरबीआई के पास, लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं, जब लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट का जो महंगाई बढ़ा होगा, मुद्रास्फीति होगा वो कंट्रोल होएगा, तो ये इसका कनेक्शन है। अब आइए अब आते हैं एसएलआर पर। इसी तरह होता है कि एसएलआर समझिएगा, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बताए थे अभी। अब ये क्या होता है,
उसी के जैसा है, सेम टू सेम उसी के जैसा है। आरबीआई क्या बोलता है, सीआरआर में आरबीआई बोलता है कि कुछ परसेंट हिस्सा ले आके मेरे पास जमा करो, बैंक को बोलता है कुछ परसेंट हिस्सा ले आके मेरे पास जमा करो। लेकिन एसएलआर में क्या बोलता है कि कुछ परसेंट पैसा तुम खुद के पास यानी कि बैंक अपने पास ही जमा करो, यानी कि बोलेगा आरबीआई कि कुछ पैसा अपने ही पास रखो जिसको तुम यूज नहीं कर सकते। जब जितने भी जमा होता है एनडीटीएल का, जितना भी पैसा जमा होता है एनडीटीएल बचता है, उसका कुछ परसेंट हिस्सा बैंक, सारे बैंक जितने भी बैंक हैं वो सब अपने पास सुरक्षित रखे जिसका इस्तेमाल नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते। और वो परसेंट मान लीजिए आरबीआई बोल दिया कि आपको 18% पैसा अपने पास रखना है, लेकिन ये पैसा आप कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वो तीन चीज बताएगा कि देखिए या तो आप नगद के रूप में रख लीजिए, या फिर रख लीजिए सोना के रूप में स्वर्ण, या फिर एक और बताएगा कि सरकारी प्रतिभूति खरीद लीजिए, सरकारी प्रतिभूति। प्रतिभूति ये तीन चीजें बताएगा कि आप ये तीनों चीज में किसी में भी रख सकते हैं। अब बताइए बैंक किस कंडीशन में किस में पैसा रखना ज्यादा पसंद करेगा। अगर मान लीजिए कि बैंक अपने बैंक में रिजर्व रखता है, नगद नगद पैसा रिजर्व रखता है, तो अगर नगद रखे रहेगा तो उसको कोई फायदा होगा? कुछ नहीं, जितना पैसा रखेगा उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सोने में इन्वेस्ट करता है, सोना में अगर रखता है, अगर यानी कि कुछ 18% रुपये का वो सोना खरीद कर रखता है अपने पास, तो इससे उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? सोने के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, हो सकता है जितना में सोना खरीदा हो उससे बढ़ भी सकता है, जब उसको टाइम जब जरूरत पड़े जब उस सोना को बेचने जाए तो हो सकता है उसको पहले ज़्यादा भी कीमत मिले और पहले से कम भी कीमत मिले। यानी कि अगर सोने में रखता है, अगर सोना खरीद के रखता है तो उसे नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, तो नुकसान होने का रिस्क है तो इसमें भी नहीं रखता है। लेकिन ये जो सरकारी प्रतिभूति होती है, सरकारी प्रतिभूति, इसमें बहुत कम जोखिम होता है। और ये सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, आगे आने वाले वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए कि एक बॉन्ड टाइप होता है जिस पर ब्याज निश्चित होती है, यानी कि सरकार अपनी प्रतिभूति क्रय करती है उसमें कुछ ब्याज निश्चित होती है। अगर अगर बैंक उस प्रतिभूति को खरीदती है, अगर बैंक द्वारा वो प्रतिभूति खरीदा जाता है तो उस पर ब्याज मिलता है बैंक को। तो चूंकि ब्याज इसको सरकारी प्रतिभूति से मिलेगी, इसलिए बैंक हमेशा सरकारी प्रतिभूति में एसएलआर को रखना, सरकारी प्रतिभूति में एसएलआर को रखना पसंद करती है। तो सीआरआर में क्या था कि बैंक ले जाकर कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास जमा करती थी, लेकिन अच्छा जितना परसेंट हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा जमा करना है इसका निर्धारण खुद आरबीआई बोलता था कि देखो हमको इतना परसेंट यहाँ लाकर जमा करो। और एसएलआर में क्या है कि एसएलआर में ये कि बैंक आरबीआई बोलती है बैंक को कि तुम अपने पास भी कुछ परसेंट हिस्सा रखो, ताकि जब मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए मार्केट में, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए मार्केट में, तो उस टाइम तुम इसे यूज करके उसको नियंत्रित कर सको। तो जो अपने पास रखेगी उसे एसएलआर बोलेंगे। अब देखिए एक बात समझिए, सेम कंडीशन समझिएगा, पहले ये बैंक, ठीक है, ये बैंक, पहले बैंक को 18% एसएलआर रखना पड़ता था। तो 18% एसएलआर रखना है मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। अगर पहले 100 रुपया है बैंक के पास, तो 100 में से एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए, 100 में से वो 18 रुपया रिजर्व रखेगा तो यूज कितना कर पाएगा, यूज कितना कर पाएगा, 82 इतना ये बैंक यूज कर सकता है, नहीं इतना पैसा बैंक उधार दे सकता है लोगों को। लेकिन एक कंडीशन देखिए, अभी 18% से जो है ये आरबीआई बोलता है कि नहीं, पहले तुम 18% रखते थे ब्याज एसएलआर, लेकिन अब 18% नहीं, अब इसको तुम 20% रखो या फिर 30%, मान लीजिए 30% रखो, बोलता है कि 30% रखना है, सिंपल बात है। तो जब 30% रखने के लिए बोलेगा तो बैंक के पास अगर पहले 100 रुपया था, 82 रुपया यूज कर पाता था, अभी कितना यूज कर पाएगा, अब 30% रखेगा, तो यानी कि 30% यहाँ रख दे, यानी 100 का 30% यहाँ रख दिया तो 70 रुपया इसके पास बचेगा, यानी कि 70 रुपया यूज कर पाएगा। समझिए, जब रेट बढ़ा
तो बैंक के पास पैसा, यूज करने वाला पैसा कम हो गया, यानी कि अब 70 रुपया ही दे सकता है लोगों को। जब 70 रुपया ही देगा तो इसका इसका परिणाम क्या होगा, देख लीजिए। 70 रुपया देगा, क्या परिणाम होगा? अब जब पैसा कम देगा तो मार्केट में तरलता कम होगी, यानी कि पैसा कम हुआ मतलब बैंक का शाख सृजन क्षमता, बैंक का शाख सृजन क्षमता कम हुआ, ठीक है। एक शाख सृजन क्षमता का मतलब समझिएगा उधार देने की क्षमता, उधार देने की कैपेसिटी, ठीक है। तो जब बैंक से उधार कम दिया जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा यानी तरलता, तरलता लिक्विडिटी कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होगी तो समझिए, जब लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड यानी कि मांग, डिमांड भी कम आएगी। जब पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कहाँ से, और जब डिमांड कम होगा तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति नियंत्रित। तो ये तो एक कंडीशन हुआ कि अगर SLR को या फिर CRR को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा। लेकिन एक और कंडीशन देखते हैं, अगर मान लीजिए कि CRR और SLR को घटाया जाए, यानी कि पहले अगर, अब समझते हैं, पहले अगर 18% था SLR, अब इसको कर देते हैं 10%। अब समझिए, पहले जब 18% था तो बैंक को मिलता था 82 रुपीज, लेकिन अब 10% हो गया तो 90 रुपीज बैंक खर्च कर सकता है। ये बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब उसको 18% की जगह सिर्फ 10% ही अपने पास रखना है, यानी कि 90 रुपया वो यूज कर सकता है, लोगों को लोन देने में यूज कर सकता है, सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है, जो करना है कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक का शाख सृजन क्षमता बढ़ेगा, बैंक का शाख सृजन क्षमता यानी कि उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगा। तो उधार देने की क्षमता बढ़ेगा तो क्या होगा, तरलता बढ़ेगा। उसके बाद तरलता बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा। तो चूंकि RBI का ये मकसद तो होता नहीं कि वो इन्फ्लेशन को बढ़ाए, लेकिन कई बार होता है कि हमारा अर्थव्यवस्था मंदी में चला जाता है ना, तो इस टाइम में RBI तरलता मार्केट में देकर, यानी तरलता को जारी करके वो मंदी से निकालने का प्रयास करती है। क्योंकि RBI का ये सोचना होता है या फिर बैंक का ये मानना होता है कि अगर हम पैसा लोगों को देंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे कहीं कहीं, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो हमारा देश समृद्धि की तरफ जाएगा और मंदी से बाहर निकलेगा। इस वजह से ये SLR और RR को कम किया जाता है। ये CRR और SLR में सेम कंडीशन लागू होगा। अब आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। स्टेचुटोरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें बैंकों को उनकी जमा की राशि, यानी उनकी जमा की राशि मतलब NDTL जितना भी हुआ उनका, NDTL का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा, यानी कि 18% बताए आपको, सुरक्षित रूप से रखने की अनिवार्यता होती है, और इससे वो सुरक्षित रूप से अपने पास रखने की अनिवार्यता होती है। यह राशि बैंक के पास नकदी बल्लाए थे नकद में या फिर अन्य लिक्विड निवेशों के रूप में होती है। अन्य लिक्विड निवेशों के रूप में होती है मतलब स्वर्ण हो सकता है या फिर सरकारी प्रतिभूति, बताया अभी। सरकारी प्रतिभूति देखिए, तो ऐसे लग रही है कि इसमें बैंकों को उनकी जमा की एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा उनको अपने खुद के पास सुरक्षित रखनी होती है, जो कि वो या तो कैश में रख सकते हैं, नगद में रख सकते हैं, या फिर और भी जो तरल चीजें हैं उसमें रख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और डिफिनेशन से समझिए, समझ में आ जाता हूँ।
एसएलआर एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा होता है, यानी कुछ प्रतिशत, यानी कि 18% जो बताएं अभी, क्योंकि अभी वर्तमान में एसएलआर 18% ही है होता है। ये जो है, जो बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास, जो बैंक को अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होता है, यानी कि 18% हिस्सा बैंक को खुद के पास रखना एकदम अनिवार्य है। वो क्या नगद में रख सकता है, स्वर्ण में रख सकता है, सरकारी प्रतिभूति में रखता है, जिसको अभी हमने बताया। अब बताइए एसएलआर का उद्देश्य क्या होता है, तो बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, जो ही बताए हैं। एसएलआर का मकसद ये होता है बाजार में तरलता को नियंत्रित करना। मुझे लगता है ये टॉपिक समझ गए होंगे आप, और ये टॉपिक समझ गए होंगे तो अब आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देख लीजिए एक बार, बाजार में तरलता की कमी आएगी तो उधार के ब्याज दर में वृद्धि होगा, ब्याज दर में वृद्धि होगा, यानी कि जब तरलता में कमी आएगी, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक लोगों के लिए लोन महंगा कर देगा। समझिए इस बात को, बैंक के लिए जब बहुत ज़्यादा पैसा है तो बैंक लोगों को सस्ता लोन देगा, लेकिन अगर बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो लोगों के लिए, यानी पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए लोन महंगा कर देगा। वही बात है कि उधार के ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी और इससे क्या होगा, उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ लिए, इसे देख लिए। अब आइए, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अभी बताएं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैंक की लाभ प्राप्ति बढ़ाना, ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं हो सकता कभी सीआरआर का, क्योंकि आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि बैंक को लाभ हो, उससे बैंक से क्या लेना देना, वो तो मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती है। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, हाँ ये सही होगा इसमें, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, क्योंकि सीआरआर बढ़ाएगा तो मार्केट में मुद्रा कम होगा, मुद्रा की आपूर्ति कम होगा, मैंने तरलता को ही समझ लीजिएगा, तरलता को ही बोला जा रहा है, तरलता को कम करना, वही मुद्रा की आपूर्ति को कम करना, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट पे, सीआरआर का निर्धारण कौन करता है, अभी बताएं कि सीआरआर का निर्धारण कौन करता है। ये खुद आरबीआई डिसाइड करेगा, खुद आरबीआई डिसाइड करेगा कि वो कितना परसेंट बोल रहा है कि हमको कितना परसेंट लाकर हमारे पास हिस्सा रखो, तो सीआरआर का निर्धारण हमेशा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैंकों द्वारा सीआरआर में जमा की गई राशि कहाँ रखी जाती है। अच्छा, ये बैंक जो सीआरआर में राशि जमा करती है वो कहाँ रखी जाती है, अब बताइए बैंक किसके पास ले जाकर सीआरआर की राशि जमा करती है। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो बैंक, कैश रिजर्व रेशियो बैंक आरबीआई के पास जमा करती है, आरबीआई के पास जमा करती है ना। अब देखिए इसमें, बैंकों के कोष में, केंद्र सरकार के खाते में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, तो कौन ऑप्शन सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, कि इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट आइए, जब सीआरआर बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, अब देखिए समझिए बात, जब सीआरआर बढ़ाया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा। अब इसको हम कनेक्शन समझते हैं, मान लीजिए कि सीआरआर यानी कि सीआरआर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको अभी बैंक, अगर मान लीजिए हम बैंक हैं, हम मान लेते हैं कि अगर हम बैंक हैं तो हमको सीआरआर बढ़ाया, यानी कि पहले के तुलना में ज़्यादा पैसा हमको आरबीआई के पास ले जाकर रखना होगा, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, तो मेरे पास पैसा की कमी हो जाएगी, यानी कि बैंक के पास पैसा, बैंक की साख सृजन क्षमता, साख सृजन क्षमता कम, जब बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी तो मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, मुद्रा, एक मिनट, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, तो मुद्रा की आपूर्ति कम होगी। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, बैंक उधारी दरें घट जाती हैं। अच्छा, जब बैंक के पास पैसा नहीं रहता है, यानी बैंक के साख सृजन कम, क्षमता कम है, तो उधार का ब्याज दर बढ़ाएगा, जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो लोगों के लिए ब्याज दर महंगा कर देगा,
यानी कि पहले अगर सस्ता ब्याज दर देता था लोगों को, सस्ता इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देता था, तो अब ब्याज दर महंगा करेगा ना कि घटाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बैंक उधारी दरें बढ़ जाती हैं, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूछा है तो ये जनरली मार्केट के ऊपर प्रभाव पूछ रहा है। अगर आपका ऑप्शन बी रहता तो ये सही होता। आइए नेक्स्ट देखिए, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, नहीं ये गलत है, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, बी और डी। अगर ऑप्शन बी और डी दोनों रहता, ऑप्शन बी एंड डी दोनों रहता तो हम दोनों को सही मानते हैं, लेकिन यहाँ हम डी को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव पूछा जा रहा है, और प्रभाव हमेशा ये मार्केट के रिलेटेड होता है क्योंकि इसका काम ही होता है मुद्रा को आपूर्ति को नियंत्रित करना, जो कि हम लोग इधर देखे हैं। देखिए कहाँ गया, एक मिनट, बैंक रन की स्थिति से निकालना, उस इधर शायद छूट गया है। तो यार ये ऑप्शन अभी यहाँ ये सही होगा, लेकिन ऑप्शन ये भी सही हो जाता अगर ये और बी और डी दोनों ऑप्शन होता है यहाँ। तो चलिए वो नहीं मिल रहा है, ये नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरआर के घटक का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है कि सीआरआर का घटक कौन नहीं है। अब यहाँ देखिए, बैंक की नगद जमा राशि, ये नगद राशि ही ले जाकर जमा करता बैंक, सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकों की नगद तरलता, बैंकों में जमा नगद, एक तरह देखिए तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि ये भी हिस्सा होता है, बैंक की नगद भी ले जाकर जमा करते हैं, यानी बैंक इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरआर का घटक का हिस्सा नहीं है, यानी कि सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास क्या चीज नहीं रखा जाता है। तो नगद तो रखा जाता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ भी नगद बोला है, नगद रखा जाता है, जमा नगद रखा जाता है, गलत हो गया। एक सरकारी प्रतिभूति है जो नहीं रखी जाती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट पे, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि सीआरआर, सीआरआर वैधानिक तरलता यानी एसएलआर, सॉरी एसएलआर का उद्देश्य क्या है, बताएं एसएलआर का उद्देश्य क्या होता है। बैंकों की लाभ प्राप्ति बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकों की तरलता बनाए रखना, सरकारी खर्चों को कम करना, इससे कोई मतलब नहीं है। विदेशी मुद्रा को स्थिर करना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सीधे बैंकों की तरलता बनाए रखना, कैसे एसएलआर के रूप में अगर आरबीआई कहेगा कुछ पैसा अपने पास जमा करो, एसएलआर के रूप में अगर आरबीआई कहेगा कि कुछ पैसा अपने पास जमा रखो, तो इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि तुम्हारी बैंक में कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि जब पैसा ही ना रहे, क्योंकि वो तुम्हारे पास रिजर्व में रहेगा कुछ पैसा, ताकि तुम उस टाइम तरलता को बनाए रखो। इसलिए ये ऑप्शन सही हुआ, बैंकों की तरलता को बनाए रखना। आइए नेक्स्ट, एसएलआर का निर्धारण कौन करता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितना सारा रेट है ना सबका निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आरबीआई। अब आइए नेक्स्ट, बैंकों द्वारा एसएलआर में रखी गई राशि में क्या शामिल होता है, बताइए। बैंक जो एसएलआर में रखता है, एसएलआर यानी कि बैंक, एसएलआर मतलब बैंक खुद के पास जो राशि रखती है उसमें क्या क्या शामिल नहीं होता, यानी क्या क्या शामिल होता है पूछ रहा है। नगद बोले नगद रख सकता है, क्योंकि एसएलआर के रूप में तीन चीजों में रखा जा सकता है, नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो नगद रख सकते हैं, सोना रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां रख सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आइए नेक्स्ट पे, जब एसएलआर बढ़ाया जाता है इसका प्रभाव क्या होता है। अब समझिए, एसएलआर बढ़ रहा है यानी अगर बैंक को पहले 18% रखना पड़ता था अपने पास, तो अब मान लीजिए कि इससे बढ़ा के कुछ अधिक रखेगा, मान लीजिए कि 30% रखेगा, मान के चलते हैं,
यानी कि पहले ये 82 रुपये यूज कर सकता था, तो अब सिर्फ 70 रुपये यूज कर पाएगा, यानी कि बैंक के पास पैसा कम होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा। जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी तो मुद्रा की आपूर्ति में कमी आएगी। तो देखिए बैंक की उधारी दरें बढ़ जाती हैं, देखिए बैंक की उधारी दरें घट जाती है, नहीं गलती है, जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो उधार की दर बढ़ेगी, ये सही होगा। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, नहीं ये भी गलती है, मुद्रा की आपूर्ति घटेगी, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा। चले आ जाइए नेक्स्ट। जब CRR बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है क्या? नहीं ठीक, CRR बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। अब देखिए CRR ये बढ़ेगा, मतलब पहले अगर 4%, यहाँ देखिए पहले अगर 4% देना होता था, यानी RBI के पास ले जाकर 4% रखना होता था पैसा, तो अब 4% से ज़्यादा रखना होगा, इसका मतलब बैंक के पास फिर पैसा की कमी आएगी। बैंक के पास पैसा की कमी आएगी तो यानी बैंक के पास कम पैसा है तो लोगों को ब्याज महंगा दरों पर देगा, महंगा दरों पर देगा। जब ब्याज महंगा दरों पर देगा तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति घटेगी, तो ब्याज दर महंगा होगा और मार्केट मुद्रा की आपूर्ति घटेगी, ये दो चीज़ हो सकता है। बैंक की उधारी दरें घट जाती है, बैंक की उधारी दरें बढ़ जाती है, नहीं बैंक उधारी घटेगी सॉरी बढ़ेगी और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, नहीं मुद्रा की आपूर्ति घटेगी। देखिए जब CRR में बढ़ाया जाएगा, CRR को बढ़ाया जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम रहेगा, कम रहेगा तो वो लोगों को महंगे महंगा लोन देगा। जब महंगा लोन देगा इसका मतलब उधार रेट बढ़ गया, लोगों के लिए महंगा हो गया, तो उधार दरें बैंक उधार दरें बढ़ जाती हैं, ये सही हुआ। और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जब पैसे नहीं है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, सिंपल सी बात है, तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, यानी कि बी और डी दोनों सही। आइए नेक्स्ट पे, एसएलआर को घटाने का निर्णय किस परिस्थिति में लिया जा सकता है। देखिए SLR को घटाएंगे तो पहले समझिए क्या प्रभाव पड़ेगा। SLR को घटाने का मतलब अगर पहले 18% बैंक को पास अपने पास रखना पड़ता था, तो बोलेगा मान लीजिए कि 10% रखो अपने पास, यानी कि SLR घटाने का मकसद ये होगा RBI का कि मार्केट में पैसा फैलाए। SLR घटेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा ज़्यादा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है उस टाइम में, जब पैसा जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। लेकिन ये पूछ रहा है किस कंडीशन में वो बढ़ाएगा, तो देखिए आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक उछाल बाहर। देखिए जब उच्च मुद्रास्फीति रहेगा तो क्यों घटाएगी भाई, जब उच्च मुद्रास्फीति पहले ही से रहेगा तो क्यों घटाएगी, तो उससे तो और ऊंचा हो जाएगा मुद्रास्फीति। जब SLR घटेगा, समझिए जब SLR घटेगा तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा गया मतलब डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा मतलब मुद्रास्फीति हाई, तो इस कंडीशन में तो वो नहीं घटा सकती। इसलिए जब आर्थिक मंदी में रहती है, अभी हम बताएं जब आर्थिक मंदी में रहती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जैसे कोरोना महामारी में अभी देखे थे कि किसी के पास पैसा ही नहीं था, तो उस टाइम ये सब लाया जाता है ताकि आर्थिक मंदी से बाहर निकल जाए। बैंक का ये मानना होता है कि अगर हम लोगों को पैसा देंगे तो किसी बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारा देश में समृद्धि दर बढ़ेगा और हमारा अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ये सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये, SLR के तहत बैंकों को अपने कुल जमा का कितना प्रतिशत सुरक्षित रखना होता है। ये पूछ रहा है SLR के अंतर्गत बैंक अपने पास कितना परसेंट सुरक्षित रखती है। अब इसका ऑप्शन देखिए 1%, 10%, 50% RBI रिजर्व द्वारा निर्धारित। हाँ ये बताएं कि यार RBI खुद डिसाइड करेगा कि आपको यानी बैंक को SLR के तहत कितना परसेंट पैसा रखना है। तो मुझे लगता है ये पूरी क्लास का सार जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको और क्लैरिटी मिल गई होगी, और अगर एक नहीं समझ में आया हो क्लास तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय।